लेफ़्ट पार्टीज़ का ही नहीं ये लेफ्ट पार्टीज़ और कांग्रेस पार्टी सामूहिक डेलीगेशन होगी हमारे यहाँ से आठ लोगों की डेलीगेशन जाएगी संसदों की मुख्य कारण ये है कि जब जब से चुनाव के नतीजे का घोषणा हुआ उस रात से शुरू करके एक किस्म की आतंक और एक किस्म का टेरर और हिंसा की रा, राजनीति जो है बीजेपी ने छेड़ा जहाँ जहाँ पर बीजेपी की हार हुई है। वहाँ वहाँ पर उस इलाकों में जाकर लोगों के ऊपर हमले करना खास तौर से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्योंकि जो नतीजे जो निकले उसके अंदर बहुत ही नाजुक मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई उनकी बढ़त जो है जो ज़रूरत है उससे दो एम ज़्यादा है उनमें से एक है वो आई का तो उनका भड़क जो है अगर मेजॉरिटी है तो एक सीट का है एक एमएलए का है अब ये समझ रहे थे कि बहुत भारी जीत होगी उनकी और उस गुस्से या नाराज़गी में ये इस तरह की हिंसा छेड़ा कम से कम एक हज़ार से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर कई लोग घायल हुए हैं उनमें से तीन की मृत्यु भी हो गई वो, वो उनको भी हिंसा से मतलब वो मर गए अब ऐसी हालत में उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जाकर दबाव बनाएं कि देश भर में इसकी खंडन हो रही है और ये बीजेपी जीतती भी नहीं अगर वो राजा का पार्टी जो है तो प्रामो था उस पार्टी ने जो वोट का बंटवारा किया 19 सीट है 19 सीट साठ में से 19 सीट है जहाँ पर उस जो उस राजा का पार्टी को जो वोट मिला उससे कम वोटों से बीजेपी की जीत हुई तो बीजेपी समझ रही है अब बिना इस तरीके की आतंक फैलाकर हिंसा फैला के बिना वो किए हुए वो उसको वहाँ पर सरकार चलाना मुमकिन नहीं है इसी तरीके से पिछले पाँच साल चलाए इसी तरीके से वो चाहते अब चलाएंगे तो अब सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस पार्टी इन इन सब के सामूहिक डेलीगेशन जो है वो जा रही है वहाँ से मिलेंगे मतलब गवर्नर साहब से अगर टाइम देंगे वो अगर मिलेंगे वो चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों से और यहाँ पर इमीडिएटली कानून की व्यवस्था बरकरार करें काम करें ये डिमांड को लेकर वहाँ पे यह डेलीगेशन देखेगी देख के आके संसद का शुरुआत हो रहा है तेरह तारीख से तो सवाल उठेगा वहाँ पर